हमारा जो दूसरा चैप्टर दिया गया है इसका नाम क्या हो जाएगा? परमाणु संरचना। इसमें हमें किसके बारे में अध्ययन करना है? परमाणु के बारे में अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हमने जो हमारा पहला चैप्टर था, पहले चैप्टर में हमने क्या देखी थी? परमाणु की परिभाषा देखी थी। और जो परमाणु की परिभाषा देखी थी, परमाणु में हमने कहा था कि जो परमाणु होता है ये कैसा कण होता है? आवभाज्य कण होता है। आवभाज्य कण से मतलब होता है कि जो परमाणु होता है इसको और अधिक छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर हमने देखा था कि जो परमाणु होता है ये कैसा नहीं रह सकता है? स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है। कौन सा कण है? सूक्ष्मतम यानी छोटे से छोटा कण होता है जो कैसा नहीं रह सकता है यहाँ पे? स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। साथ में कैसा होता है? अविभाज्य कण होता है। साथ ही जो परमाणु होता है ये कहाँ पे भाग लेता है? रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है। किस में भाग लेता है? रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है। लेकिन देखने पे हमें ऐसा लगता है कि रासायनिक क्रियाओं में अणु भाग ले रहे हो, लेकिन वास्तव में हमारा जो परमाणु होता है ये कहाँ पे भाग लेता है? रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। तो हमने ये अभी बिंदु पड़े हुए थे परमाणु से संरचना से संबंधित। सबसे पहले यहाँ पर हमने देखा है कि जो परमाणु होता है ये एक अविभाज्य कण होता है और एक पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है और रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है? भाग लेता है। लेकिन यहाँ पे यदि परिभाषाओं के आधार पर यदि देखा जाए तो जो परमाणु है परमाणु के यहाँ पे कितने मौलिक कण बताए गए? 3 मौलिक कण बताए गए। मौलिक कण यानी जिनसे मिलकर के परमाणु बना हुआ है। कौन से कण बताए गए? मौलिक कण। पहले कहा जाता था कि जो परमाणु होता है ये कैसा होता है? अविभाज्य कण होता है। लेकिन आधुनिक परिभाषाएँ जो आई हैं, आधुनिक परिभाषाओं के अनुसार परमाणु को कितने मौलिक कणों से मिलकर बना हुआ माना गया है? 3 मौलिक कणों से मिलकर के बना हुआ माना गया है। पहला जो मौलिक कण दिया गया है इसको हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो पहला मौलिक कण क्या हो जाएगा हमारा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। दूसरे मौलिक कण में क्या हो जाएगा? प्रोटॉन हो जाएगा। और तीसरा जो मौलिक कण होता है इसमें क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो पहले कह रहे थे कि परमाणु जो होता है अविभाज्य कण होता है, साथ में पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है जिसे जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, अर्थात ये क्या कहता है? रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या कहता है? भाग लेता है। लेकिन आधुनिक परिभाषाओं के अनुसार यदि यहाँ पर देखा जाए तो जो परमाणु है परमाणु के कितने मौलिक कण बताए गए? 3 प्रकार के परमाणु के मौलिक कण बताए गए। पहला जो मौलिक कण है इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। दूसरा मौलिक कण क्या हो जाएगा? प्रोटॉन हो जाएगा। और तीसरा मौलिक कण क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन। हमें इन्हीं 3 मौलिक कणों के बारे में देखना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले जो हमारा मौलिक कण दिया गया है इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता। खोजकर्ता यानी इलेक्ट्रॉन की खोज कौन से वैज्ञानिक ने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए यहाँ पे देखेंगे वैज्ञानिक जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? वैज्ञानिक जे थॉमसन ने की। कहीं कहीं यहाँ पे जे थॉमसन लिखा होता है, कहीं कहीं यहाँ पर थॉमसन की जगह क्या लिखा होता है? टॉमसन लिखा होता है। तो वो एक ही वैज्ञानिक हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? वैज्ञानिक जे थॉमसन के द्वारा की गई। अब यहाँ पे हम देखेंगे अगला क्या देखेंगे? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर कौन सा आवेश पाया जाता है? ऋण आवेश पाया जाता है। कौन सा आवेश पाया जाता है? ऋण आवेश पाया जाता है। इसके बाद यदि हम इसके प्रतीक को देखें तो इलेक्ट्रॉन को हम किससे प्रेषित करते हैं? स्मॉल ई से प्रेषित करते हैं। और इसके ऊपर किसका चिन्ह लगा के रखेंगे? माइनस के चिन्ह को लगाएंगे, क्योंकि ऋण आवेश युक्त होता है। अब जो आवेश होता है यहाँ पे केवल ये बताया गया कि इस पे क्या पाया जाता है? ऋण आवेश पाया जाता है। अब यहाँ पे हमें किसका मान बताना है? आवेश का मान बताना है। यानी जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उस पर जो आवेश होता है ऋण आवेश, उस ऋण आवेश का मान कितना होता है? तो ऋण आवेश जो होता है, ऋण आवेश का मान कितना हो जाएगा? 1.6×10⁻¹⁹ और आवेश की इकाई क्या होती है? कूलाम होती है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? कूलाम। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन दिया गया था, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? वैज्ञानिक जे थॉमसन के द्वारा की गई। इस पर कौन सा आवेश पाया जाता है? ऋण आवेश पाया जाता है। इसे हम किससे प्रेषित कहते हैं? ई से प्रेषित कहते हैं। इस पर इसका जो आवेश होता है, आवेश का मान कितना होता है? 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम हो जाएगा।
और जो आवेश होता है ये ऋणात्मक होता है, इसका इसके आगे हम माइनस के चिन्ह का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है आवेश कैसा होता है, ऋण आवेश होता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का हमें क्या देखना है, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन का हमें देखना है, ये तो आवेश था। अब यहाँ पे हमें जो इलेक्ट्रॉन दिया गया है, इलेक्ट्रॉन का क्या देखना है, द्रव्यमान देखना है। और जब हम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमें एक तो किस में देखना है, ग्राम में देखना है, और दूसरा किस में देखेंगे, किलोग्राम में देखेंगे। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ग्राम और किलोग्राम दोनों में साथ में लेकर के चलेंगे तो यहाँ पे ग्राम में जो दिया गया है 9.1 × 10⁻¹⁰ माइनस कितना हो जाएगा 28। ये जो मान होता है ये किस में होता है, ग्राम में होता है, और यदि हम इसी को किलोग्राम में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 9.1 × 10⁻¹⁰ माइनस 31 किलोग्राम। यहाँ पे माइनस में आपको देखना है, माइनस की छोटी संख्या बड़ी होती है और बड़ी संख्या छोटी होती है। आपको लग रहा होगा कि माइनस 31 ज़्यादा है, लेकिन वास्तव में यदि देखा जाए तो जो माइनस 28 दिया गया है ये ज़्यादा है, क्योंकि किलोग्राम में ग्राम ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे आपका 1000 में 3 जीरो हो जाएंगे, इसलिए 31 से कितना हो जाएगा यहाँ पर 28 हो जाएगा। तो यदि इलेक्ट्रॉन का हम ग्राम में द्रव्यमान देखेंगे तो कितना हो जाएगा 9.1 × 10⁻¹⁸ और किलोग्राम में हो जाएगा 9.1 × 10⁻¹³। इसके बाद यहाँ पर हमें देखना है इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन की क्या देखनी है, स्थिति। इलेक्ट्रॉन की स्थिति माने इलेक्ट्रॉन जो होता है ये हमारा कहाँ पे पाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति को देखने के लिए हम एक सबसे पहले क्या बना लेंगे, परमाणु बना लेंगे। एक जब आप परमाणु या तत्व को बनाते हैं तो यहाँ पे हमें देखना होता है जो बीच वाला जो भाग होता है इसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और इसके बाहर जो ये गोलाकार भाग दिखाई दे रहा है, वृत्ताकार भाग दिखाई दे रहा है, ये क्या हो जाएगी, इसकी कक्षा हो जाएगी। कक्षा कहते हैं, कक्ष कहते हैं, या ऑर्बिट कहते हैं, इसके अलग अलग नाम हैं, कई नामों से जाना जाता है। अब यहाँ पे हमें देखना है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की स्थिति। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, नाभिक। ये दिया गया है नाभिक के चारों ओर क्या दिया गया है, वृत्ताकार मार्ग दिया गया है। और इसी वृत्ताकार मार्ग में जो इलेक्ट्रॉन होता है ये चक्कर लगाते हुए पाया जाता है। नाभिक में, नाभिक के चारों ओर यदि वृत्ताकार मार्ग को देखा जाए तो इसी वृत्ताकार मार्ग में क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए पाया जाता है। और यदि हम इसके नाभिक में देखें तो नाभिक में भी हमें दो चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेंगी, एक तो क्या हो जाएगा प्रोटॉन हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा न्यूट्रॉन हो जाएगा। यहाँ पे आपको नाभिक में याद करके रखना है, किसी भी तत्व में यदि तत्व कहेंगे या फिर परमाणु कहेंगे, किसी भी तत्व या परमाणु के जो नाभिक होता है, नाभिक में क्या उपस्थित होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जबकि नाभिक के चारों ओर जो वृत्ताकार यानी वृत्त के आकार का जो मार्ग पाया जाता है उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे पाए जाते हैं, चक्कर लगाते हुए पाए जाते हैं। तो ये किसकी स्थिति हो जाएगी, आपकी इलेक्ट्रॉन की स्थिति हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पाए जाते हैं, वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हुए पाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन से संबंधित जानकारी है। इसमें हमने सबसे पहले देखा इलेक्ट्रॉन की खोज करता, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, वैज्ञानिक जे जे थॉम्सन ने की। कभी कभी जे जे थॉम्सन की जगह जे जे टॉम्सन लिखा होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पर क्या आवेश पाया जाता है, ऋण आवेश पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन का प्रतीक क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई हो जाएगा, इसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं। यदि इस पर हम आवेश के मान को देखते हैं तो जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है, −1.6 × 10⁻¹⁹ −19 कूलाम। आवेश की इकाई क्या होती है, कूलाम होती है। इसका इसके साथ हम क्या लिख देंगे, कूलाम लिख देंगे। और यदि यहाँ पे आवेश के द्रव्यमान को देखा जाए तो पहले ये द्रव्यमान हमने किस में देखा, ग्राम में। आवेश कूलाम में होता है और जो द्रव्यमान है ये ग्राम और किलोग्राम दोनों में दिया गया आपका। तो जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻¹⁸ यदि 28 कहेंगे तो ये किस में हो जाएगा, ग्राम में हो जाएगा। और यदि 9.1 × 10⁻¹³ तो ये किस में हो जाएगा, किलोग्राम में हो जाएगा। और यदि हम स्थिति देखेंगे इलेक्ट्रॉन की तो जो इलेक्ट्रॉन होता है नाभिक के चारों ओर कहाँ पाया जाता है, वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हुए पाया जाता है। ये स्थिति थी हमारी इलेक्ट्रॉन की। इसके बाद हम दूसरा कण देखेंगे तो जो दूसरा कण दिया गया हमारे पास मौलिक कण, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। तो यहाँ पे यदि प्रोटॉन को देखा जाए, प्रोटॉन की खोज करता तो वैज्ञानिक गोल्डस्टीन किसने की थी,
वैज्ञानिक गोल्ड स्टीन है। प्लूटोन की खोज वैज्ञानिक गोल्ड स्टीन के द्वारा की गई। प्लूटोन पर कौन सा आवेश पाया जाता है? धन आवेश पाया जाता है। कौन सा आवेश पाया जाता है? धन आवेश पाया जाता है। यदि हम इसके संकेत को देखें तो प्लूटोन के लिए हम कह लेते हैं पी, और यहाँ पे यदि हम आवेश को देखें तो जो आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश था वो क्या था? -1.6×10⁻¹⁹ कूलम। जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का आवेश 1.6×10⁻¹ कितना हो जाएगा? -19 कूलम। अंतर केवल कितना आ जाएगा? प्लस माइनस का आ जाएगा। यहाँ पे देखिए जो आपका इलेक्ट्रॉन था इसका मान कैसा था? ऋण आवेश। और जो आपका प्रोटॉन है इसका मान कैसा होता है? धनात्मक होता है। इसका यहाँ पे लिखा गया 1.6×10⁻¹⁹ कूलम। अब यहाँ पे अभी हमें क्या देखना है? इसका द्रव्यमान। प्रोटॉन का हम क्या देखेंगे? द्रव्यमान। तो सबसे पहले द्रव्यमान हम इसका किस में देखेंगे? ग्राम में देखेंगे। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67×10⁻¹⁹। अब यहीं से हमें देखना है, यदि हम ग्राम में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? -24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -24। 1.67×10⁻¹⁴। और यदि किलोग्राम में देखते हैं तो 1.67×10⁻¹ कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 27। ये आपका हो जाएगा किलोग्राम में और ये हो जाएगा आपका ग्राम में। ये दी गई थी हमारे प्रोटॉन के बारे में जानकारी। और प्रोटॉन को भी आप देख ही चुके थे, हमने यहाँ पे तत्व बनाया था। बीच में क्या दिया गया था? इसके नाभिक दिया गया था चारों ओर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? ये वृत्ताकार मार्ग। वृत्ताकार मार्ग में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें किसको देखना है? प्रोटॉन को। तो जो प्रोटॉन होते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं? किसी तत्व के नाभिक में। प्रोटॉन कहाँ पे उपस्थित होते हैं? किसी तत्व के नाभिक में प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं। अगला जो हमें देखना है, तीसरा जो मौलिक कण दिया गया है परमाणु का, तीसरे में क्या हो जाएगा हमारा? न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन की खोज करने का श्रेय वैज्ञानिक जेम्स चैडविक को जाता है। किसने की थी? वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने की थी। और जो एक न्यूट्रॉन होता है, ये एक कैसा कण होता है? उदासीन कण होता है। यानी इस पर ना तो धन आवेश पाया जाता है ना ही ऋण आवेश पाया जाता है। ये कैसा होता है? एक उदासीन कण होता है। यदि न्यूट्रॉन के हम संकेत की बात करते हैं तो इसे हम किससे प्रेषित करते हैं? स्मॉल एन से प्रेषित करते हैं। और आवेश के मान में हम क्या लिखेंगे? इस पर शून्य आवेश पाया जाता है। इसी कारण ये कैसा होता है? उदासीन होता है। तो इसका आवेश का मान होगा नहीं, आवेश जो होगा वो कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और यदि हम इसका क्या लिखें? द्रव्यमान लिखें, तो जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का कैसा होता है? समान होता है, यानी बराबर होता है। तो कितना हो जाएगा? 1.67×10⁻¹⁴। ये किस में हो जाएगा? ग्राम में हो जाएगा। और यदि हम किलोग्राम में लिखेंगे तो 1.67×10⁻¹⁹ कितना हो जाएगा? -27। ये किस में हो जाएगा? किलोग्राम में हो जाएगा। और यदि हम न्यूट्रॉन की क्या देखें? स्थिति देखें, यानी न्यूट्रॉन हमारा कहाँ पे पाया जाता है? तो जो न्यूट्रॉन होता है वो किसी तत्व के किस में उपस्थित होता है? नाभिक में उपस्थित होता है। तो ये हमारे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों तत्वों से संबंधित जानकारियाँ थी। सबसे पहले हमने परमाणु के बारे में पढ़ा हुआ है कि जो परमाणु होता है, परमाणु कैसा होता है? आपका अविभाज्य कण होता है। कैसा कण होता है? अविभाज्य कण होता है, माने जिसको विभाजित ना किया जा सके उसको हम क्या कहेंगे? अविभाज्य कहेंगे। साथ ही में जो परमाणु होता है, ये पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। और जब स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा तो क्या करेगा? रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेगा। रासायनिक अभिक्रिया में क्या कहता है? भाग लेता है। साथ में यदि देखा जाए किसी भी तत्व के, यदि परमाणु के बारे में हम जानकारी को देते हैं तो सभी परमाणु, किसी भी तत्व के सभी परमाणु कैसे होते हैं? समान होते हैं। ये अभी तक हम पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर हमने देखा कि जो परमाणु होता है, परमाणु के जो मौलिक कण बताए गए हैं, कितने मौलिक कण बताए गए हैं? 3 मौलिक कण बताए गए हैं। यानी परमाणु 3 मौलिक कणों से मिलकर के बना होता है। सबसे पहला जो मौलिक कण दिया गया है कौन सा दिया गया है? इलेक्ट्रॉन दिया गया है। अब यहाँ पे भी हमने इलेक्ट्रॉन में देखा कि जो इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? वैज्ञानिक जे थॉमसन ने की थी। कहीं कहीं यहाँ पे हमें थॉमसन लिखा मिलता है। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश पाया जाता है? ऋण आवेश पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन को हम किससे प्रेषित कहते हैं? ई से प्रेषित कहते हैं।
आपको ई लिखते वक्त ध्यान रखना, ई के ऊपर किसका चिन्ह लगाना है, माइनस का चिन्ह लगाना है, क्योंकि इसके ऊपर ऋण आवेश पाया जाता है। आवेश के यदि हम मान की यहाँ पे बात करते हैं तो -1.6×10^6 -19 और आवेश की इकाई क्या होती है, कूलाम। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, कूलाम लिख देंगे। इसके बाद दिया गया है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान कितना दिया गया है यहाँ पे, 9.1×10^-28 ये किस में दिया गया है, ग्राम में दिया गया है। और यदि किलोग्राम में परिवर्तित कर देंगे तो 9.1×10^-31 ये किस में हो जाएगा, किलोग्राम में। और स्थिति देखें यदि इलेक्ट्रॉन की, तो ये कहाँ पर पाया जाता है, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हुए पाया जाता है। दूसरा यहाँ पर हमने मॉलिक्यूल देखा प्रोटॉन, तो प्रोटॉन में हमने देखा प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई, वैज्ञानिक गोल्डस्टीन के द्वारा की गई। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश पाया जाता है, धन आवेश पाया जाता है। और प्रोटॉन को हम किससे प्रेषित करते हैं, पी से। इस पे अभी आवेश को मान के यदि इसको देखें तो कितना होता है, 1.6×10^-19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक था, इसका कैसा होता है, धनात्मक होता है। इसके बाद क्या दिया गया है, द्रव्यमान दिया गया है प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान ग्राम में कितना होगा, 1.67×10^-24 ग्राम। और यदि इसी को हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर दें तो 1.67×10^-27 किलोग्राम हो जाएगा। और तीसरा हमारा मॉलिक्यूल कौन सा दिया गया है, न्यूट्रॉन दिया गया है। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन की खोज करने का श्रेय किसे जाता है, वैज्ञानिक जेम्स चैडविक को जाता है। और जो न्यूट्रॉन होता है ये कौन सा कण होता है, हमारा उदासीन कण होता है। न्यूट्रॉन को हम किससे प्रेषित कहते हैं, स्मॉल एन से प्रेषित कहते हैं। इस पर शून्य आवेश होता है, यानी किसी भी प्रकार का कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है। द्रव्यमान यदि देखा जाए, पहले किसमें देखेंगे हम, ग्राम में, तो कितना होता है, 1.67×10^6 कितना हो जाएगा, -24 ग्राम हो जाएगा। और यदि इसी को हम किलोग्राम में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा, 1.67×10^-27 किलोग्राम हो जाएगा। अब स्थिति चाहे आप यहाँ पर प्रोटॉन की देख लें या फिर न्यूट्रॉन की देख लें, दोनों में यदि आप स्थिति को देखेंगे तो दोनों कहाँ पर उपस्थित होते हैं, नाभिक के अंदर उपस्थित होते हैं। ये आपके परमाणु के तीन मौलिक कण हो जाएंगे। इसके बाद हमें कुछ परिभाषाएं देखनी है। अब परमाणु से संबंधित हमें कुछ परिभाषाएं देखनी है। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो हमारी पहली परिभाषा बनेगी, किसकी बनेगी, परमाणु क्रमांक की परिभाषा बनेगी। जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक को ही हम क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु क्रमांक को ही हम क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं, या फिर इसी को हम इंग्लिश में एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले डेफिनेशन परमाणु क्रमांक की देखनी है। परमाणु क्रमांक की परिभाषा को देखने के लिए सबसे पहले हम एक तत्व बनाएंगे। ये हमारा तत्व हो जाएगा, ये जो बीच वाला भाग होता है इसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और नाभिक में यदि देखा जाए किसी भी तत्व के परमाणु का जो नाभिक होता है, नाभिक में क्या पाया जाता है, समस्त धन आवेश पाया जाता है। कौन सा आवेश पाया जाता है, समस्त धन आवेश पाया जाता है। इसके बाद हमने देखा है कि जो बाहर का ये कैसा मार्ग दिया गया है, वृत्ताकार मार्ग दिया गया है। इस वृत्ताकार मार्ग में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए पाए जाते हैं। और जो नाभिक दिया गया है, नाभिक में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसी डायग्राम से हमें डेफिनेशन मिलेगी परमाणु क्रमांक क्या, परमाणु संख्या की। तो सबसे पहले हमें एक संकेत यहाँ पर देखना है, ये तीनों संकेत आने चाहिए। और परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या का यदि हम यहाँ पर संकेत देखें, तो जो परमाणु क्रमांक क्या, परमाणु संख्या होता है, इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, जेड से प्रेषित करते हैं। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या जो है, इसको हम किससे प्रेषित करेंगे, जेड से प्रेषित करेंगे। अब परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या की परिभाषा कैसे बनाएंगे, किसी तत्व के नाभिक में। अब नाभिक में हमें मालूम है कितनी चीज़ें होती हैं, दो होती हैं। एक तो क्या पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है, और एक क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन पाया जाता है। और जो बाहर का जो वृत्ताकार मार्ग होता है, इसमें क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है, या तो हम यहाँ से लेंगे किसी तत्व के नाभिक के कोई तत्व, ये क्या बना हुआ है, हमारा कोई तत्व बना हुआ है, किसी तत्व के नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन।
तो या तो हम क्या लेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसकी संख्या ले लेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या लगा है ध्यान रखना है, इसमें या लगा है अगली डेफिनेशन में और लग जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फिर यहाँ पे किसकी संख्या हो जाएगी प्रोटॉनों की संख्या, किसी तत्व के नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फिर नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं उस तत्व का परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहते हैं। और परमाणु क्रमांक को हम किससे प्रदर्शित कहते हैं जेड से प्रदर्शित कहते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जेड बराबर क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फिर किसकी संख्या हो जाएगी प्रोटॉनों की संख्या। तो परमाणु क्रमांक कैसे बताया जाता है हमें केवल ये देखना होता है कि कोई तत्व या नाभिक जो हमें दिया गया उस तत्व या नाभिक में जो परमाणु हैं वो परमाणु है उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। जितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी उतना ही उस तत्व का क्या होगा परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या होगी। या फिर किसकी संख्या को देख लेते हैं हम प्रोटॉनों की संख्या को देख लेते हैं, किसकी संख्या को देख लेते हैं प्रोटॉनों की संख्या को देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखें इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फिर किसकी संख्या बताई गई है प्रोटॉनों की संख्या। माने ने यह कहा कि या तो आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या को लेकर चलें या फिर किसकी संख्या को लेकर चलें प्रोटॉनों की संख्या को लेकर चलें। तो इससे हमें क्या मालूम होता है कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो किसकी संख्या के बराबर होती होगी प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती होगी। इसी कारण हम किसको ले रहे हैं या तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को या फिर प्रोटॉनों की संख्या को, दो में से किसी एक को भी ले लेंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा परमाणु क्रमांक क्या परमाणु संख्या। तो इससे हम ये समझ जाएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रोटॉनों की संख्या के कैसे होते हैं बराबर होते हैं। और किसी भी तत्व को आप देखें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों कण पाए जाते हैं किसको छोड़ करके हाइड्रोजन को छोड़ करके, किसको छोड़ करके हाइड्रोजन को छोड़ करके। किसी भी तत्व के बारे में यदि आप पढ़ते हैं तो उस तत्व में आपको क्या दिखाई देंगे इलेक्ट्रॉन भी दिखाई देंगे प्रोटॉन भी होंगे और न्यूट्रॉन भी होंगे, लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व होता है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, इसमें केवल क्या पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन को छोड़ करके हमें सभी में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पढ़ने के लिए मिलेगा। तो यहाँ से हमने डेफिनेशन किसकी निकाली परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या की, किसी तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित कहते हैं जड़ से प्रदर्शित कहते हैं। तो जड़ बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फिर किसकी संख्या हो जाएगी प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी। यदि यहाँ पे हम दूसरी डेफिनेशन को देखते हैं तो यहाँ पर दूसरी परिभाषा हमारी क्या हो जाएगी परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा हो जाएगी। कौन सी परिभाषा हो जाएगी परमाणु द्रव्यमान, उसी को हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं परमाणु भार कहते हैं। एक ही के दोनों नाम है, कभी कभी परमाणु द्रव्यमान कह दिया जाएगा और कभी कभी उसी को हम किस नाम से कहेंगे परमाणु भार के नाम से कहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक संकेत सीख लें, जैसे परमाणु क्रमांक में जेड था और परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार में क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अब पहले हम एक सूत्र लिखेंगे ए बराबर क्या हो जाएगा पी प्लस क्या लिखा हुआ है यहाँ पे एन, पी प्लस एन का मतलब क्या हो गया पी से आशा किसकी संख्या से हो जाएगा यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या से हो जाएगा। और यदि एन को देखें तो एन बराबर क्या हो जाएंगे यहाँ पे हमारे न्यूट्रॉन हो जाएंगे, यानी न्यूट्रॉनों की क्या हो जाएगी संख्या। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे पाए जाते हैं किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित होते हैं। तो यदि यहाँ से आप परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार की परिभाषा को देखते हैं तो परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार की परिभाषा में हम लिखेंगे किसी तत्व के नाभिक में, क्योंकि प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं नाभिक में पाए जाते हैं। किसी तत्व के नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों और लगा है, और का मतलब आपने पढ़ा होगा किसके चिन्ह से होता है प्लस के चिन्ह से होता है। तो किसी तत्व के नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है उस संख्या को ही हम क्या कहते हैं उसका परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कहते हैं। और परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार को हम किससे प्रदर्शित कहते हैं ए से प्रदर्शित कहते हैं। और यहाँ पर हमने लिखा है जो सूत्र दिया गया हमारे पास ए बराबर क्या दिया गया पी प्लस एन, यानी प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल टू क्या दिया गया परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार।
अब यहाँ पे इनके इंग्लिश वर्ड भी आप याद करके रखेंगे, इसको एटॉमिक नंबर कहते हैं, इसको एटॉमिक मास, मास यानी द्रव्यमान होता है, इसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। यहाँ से आपको दो परिभाषाएं समझने के लिए मिलेंगे इस डायग्राम की सहायता से, एक तो परमाणु क्रमांक की परिभाषा हो जाएगी। परमाणु क्रमांक हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फिर किसकी संख्या, प्रोटॉनों की संख्या को हम परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं, इसे हम कैपिटल जेड से प्रदर्शित कहते हैं। और परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार में हमने देखा किसी तत्व के नाभिक में, क्योंकि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं, किसी तत्व के नाभिक में पाए जाते हैं, तो किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है उसे क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कहते हैं। और परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, कैपिटल ए का उपयोग करेंगे। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ और समझनी है कि जो परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक ये जो दो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं इनको लिखा किस प्रकार से जाता है, क्योंकि इसके बाद जब हम परमाणु की संरचना को समझने का प्रयोग देखेंगे तो हमें एक कण की आवश्यकता पड़ेगी जिसे हम क्या कहेंगे, अल्फा कण। एक अल्फा कण को लेकर के हम संरचना को समझेंगे। इस एक अल्फा कण को हम क्या कहते हैं, Hc2He4। ये क्या दिया गया आपका, अल्फा कण दिया गया है, या फिर इसी को हम कैसे लिखेंगे, 2He4 ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे मैं देखना नीचे कितने लिखे हुए हैं, यहाँ पे दो लिखे हुए हैं और ऊपर कितने लिखे हुए हैं, चार। अब यहाँ पे हमें यही समझना है कि जो नीचे संख्या किसी भी तत्व, अभी हमें केवल इसी में नहीं देखना है, यदि हम कोई भी तत्व देखते हैं जिसमें तत्व का संकेत बना हुआ है या संकेत लिखा हुआ है, उसके नीचे कोई संख्या लिखी है और ऊपर संख्या लिखी हुई है, तो जो नीचे वाली जो संख्या होगी उसको हम क्या कहेंगे, परमाणु क्रमांक कहेंगे। क्या कहेंगे, परमाणु क्रमांक, यानी जो नीचे नंबर लिखा है ये क्या दिया गया, इसका परमाणु क्रमांक। आवर्त सारणी आपको थोड़ी सी पढ़ाई गई थी डेमो क्लास में, तो वहाँ पे आपको बताया गया था हीलियम आवर्त सारणी में दूसरे स्थान पर रखा गया था, यानी उसका जो परमाणु क्रमांक था कितना था, दो था। और जो ऊपर ये जो संख्या लिखी है कितने लिखी है, चार लिखी है, ये क्या हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार हो जाएगा। तो परमाणु द्रव्यमान या उसी को हम क्या कहते हैं, परमाणु भार। तो आपको यदि कहीं भी संकेत लिखा मिले, कोई भी तत्व लिखा मिले, उसके नीचे यदि हमें जो नंबर लिखा मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं। लेकिन यदि जो ऊपर का जो नंबर होता है उसे हम क्या कहेंगे, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार। अब इसको लिखने के दो तरीके होते हैं, जो ऊपर चार लिखे हुए हैं इसके ऊपर इस साइड भी लिखे जा सकते हैं दाईं ओर, या फिर उसके बाईं ओर भी लिखे जा सकते हैं, दोनों तरीके सही होते हैं यहाँ पे। तो इसको आप क्या कहेंगे, नीचे वाली संख्या यानी क्या दिया गया है, परमाणु क्रमांक, और जो ऊपर वाली जो संख्या है वो क्या दी गई है, हमारी परमाणु भार दी गई है। और जो 2He4 लिखा हुआ ये क्या हो जाएगा, हमारा मौलिक कण हो जाएगा, सॉरी अल्फा कण हो जाएगा। कौन सा कण हो जाएगा, अल्फा कण हो जाएगा। इसके बाद हमें कुछ परिभाषाएं, अब हम इस कण की सहायता से माने संकेत की सहायता से हम क्या करेंगे, कुछ अगली परिभाषाओं को देखेंगे। यहाँ से आपको नीचे क्या लिखा हुआ था, परमाणु क्रमांक, और ऊपर क्या लिखा हुआ था, परमाणु द्रव्यमान। अब जो हमें अगली डेफिनेशन देखनी है थर्ड नंबर में, अगली परिभाषा देखेंगे, तो आपने हाई स्कूल के पहले भी इसको पढ़ा होगा, समस्थानक होता है, और जो अगला होता है इसको हम क्या कहते हैं, संभारक कहते हैं। समस्थानक और संभारक, ये दो प्रकार की आपको क्या देखनी है, परिभाषाएं देखनी है। अब यहाँ से आप इंग्लिश के, इनके इंग्लिश के वर्ड यूज करेंगे। जो समस्थानक होते हैं, समस्थानक को हम क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं, आइसोटोप कहेंगे। और जो संभारक होते हैं, संभारक को हम क्या कहेंगे, आइसोबार। एक शब्द समझ लें, हमें आगे ट्वेल्थ में भी काम आएगा, सम के लिए इंग्लिश में आइसो का उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखो सम लिखा है, तो यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है, आइसो लिखा हुआ है। यहाँ पे भी आगे क्या लिखा हुआ है, सम, तो इसमें भी आगे क्या लिखा हुआ है, आइसो लगा हुआ है। तो समस्थानक को हम क्या कहते हैं, आइसोटॉप कहते हैं, आइसोटॉप हो जाएगा ये आपका। और जो संभारक होता है, संभारक को हम क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। इन दोनों की हमें डेफिनेशन देखनी है, दोनों की डेफिनेशन को देखने के लिए हम एक एक उदाहरण का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। जैसे पहले हम देखेंगे समस्थानक,
समस्थानक के लिए हम देखेंगे किसके समस्थानक देखेंगे, यहाँ पे हम हाइड्रोजन के समस्थानक को लेकर चलेंगे। किसके समस्थानक? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के उदाहरण के द्वारा किसकी डेफिनेशन देख रहे हैं हम? समस्थानक या उसी को हम क्या कहते हैं? आइसोटॉप कहते हैं। तो 1H1 और 1H2, 1H3 ये तीनों हमारे द्वारा लिख लिए गए हैं। इन्हीं से क्या बनेगी यहाँ पे डेफिनेशन बनेगी। नीचे जो एक एक संख्या लिखी हुई है क्या लिखा हुआ है? परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। और ऊपर जो 1, 2, 3 लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा? परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। तो तीनों को आप देख रहे हैं, तीनों में हमें नीचे क्या दिखाई दे रहा है? परमाणु क्रमांक तीनों में कैसा है? समान है। लेकिन ऊपर जो परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार होता है ये कैसा दिया गया है? इसमें अलग अलग दिया गया है। तो इसी शब्द से यानी ये उदाहरण है, उदाहरण से हम क्या सीखेंगे? इसकी परिभाषा। तो वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक कैसे होते हैं? समान होते हैं। लेकिन परमाणु द्रव्यमान कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। उन तत्वों को हम क्या कहते हैं? समस्थानक या आइसोटॉप कहते हैं। तो परिभाषा हमें कोशिश करनी है, यदि कहीं पे हमें डायग्राम यानी चित्र मिले या फिर कहीं पे हमें उदाहरण मिले तो परिभाषा हम ज़्यादातर किससे सीखेंगे? उदाहरण से या फिर चित्र के द्वारा सीखेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो परिभाषा दी गई है समस्थानक या आइसोटॉप की दी गई है, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक कैसे होते हैं? समान होते हैं। लेकिन परमाणु द्रव्यमान, ऊपर हम क्या लिखते हैं? परमाणु द्रव्यमान को लिखते हैं। परमाणु द्रव्यमान कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। उन तत्वों को हम क्या कहते हैं? समस्थानक या आइसोटॉप कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के कितने समस्थानक होते हैं? 3 समस्थानक होते हैं। ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानक होते हैं? यहाँ पे हम लिखेंगे हाइड्रोजन के कितने समस्थानक होते हैं? 3 समस्थानक होते हैं। पहले अब हम इन तीनों के नाम को देख लेंगे। जो पहला समस्थानक होता है हाइड्रोजन का, इसे हम क्या कहते हैं? प्रोटियम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटियम कहते हैं। पहला समस्थानक क्या होता है? प्रोटियम होता है। दूसरा जो समस्थानक दिया गया ये ड्यूटेरियम दिया गया है। और जो तीसरा समस्थानक होता है ये क्या हो जाएगा? ट्राइटियम हो जाएगा। ये क्या होते हैं? 3 समस्थानक होते हैं हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? पी का उपयोग। ड्यूटेरियम के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? डी का उपयोग। और ट्राइटियम के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? टी का उपयोग करते हैं। तो ये समस्थानक हो जाएंगे आपके। यहाँ पे इनके बारे में और ज़्यादा डिटेल हम आगे देखेंगे। केवल यहाँ पे आप ये सीखे कि जो समस्थानक होते हैं वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं ये कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। उन तत्वों को हम क्या कहते हैं? समस्थानक या आइसोटॉप कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के कितने समस्थानक होते हैं? 3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, 1H1, 1H2, 1H3। ये हमारी डेफिनेशन किसकी हो गई? समस्थानक की। और जो अब हमें इसके बाद अगला देखना है, किसकी परिभाषा देखनी है? समभार, या फिर उसी को हम क्या कहते हैं? आइसोबार। तो यहाँ पे हम देखेंगे समभार, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं? आइसोबार कहते हैं। ये इंग्लिश वर्ड है आइसोबार। ज़्यादातर बड़ी क्लास में आप इंग्लिश वर्ड ही यूज करेंगे, हिंदी में बहुत कम। साइंस में जो मेन हेडिंग होती है वो इंग्लिश में ही सीखें आगे, क्योंकि आपको उसकी हिंदी नहीं मिलेगी। संभावक नहीं पूछा जाएगा, परीक्षा में यदि आएगा तो वो आपसे पूछेंगे आइसोबार से आप क्या समझते हैं, यहाँ पर सीधा इंग्लिश में पूछ लिया जाएगा। अब यहाँ पर हमें देखना है संभावक की परिभाषा। तो संभावक में अभी यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे? उदाहरण लिखेंगे। तो इसके उदाहरण में हम लेंगे, एक तो आपका हो जाएगा संकेत AR। जो AR संकेत है ये किसका संकेत हो जाएगा? आर्गन का संकेत हो जाएगा। किसका संकेत हो जाएगा? आर्गन का संकेत हो जाएगा। दूसरा जो संकेत दिया गया यहाँ पर हम लिखेंगे K। जो K होता है ये किसका संकेत हो जाएगा? पोटेशियम का संकेत हो जाएगा। किसका संकेत हो जाएगा? पोटेशियम का संकेत हो जाएगा। और तीसरे में हमें इसमें संकेत के रूप में किसको लेना है? Ca। Ca जो होता है ये किसका संकेत होता है? कैल्शियम का संकेत होता है। किसका हो जाएगा? कैल्शियम का। इन तीन के द्वारा हम किसकी डेफिनेशन को समझेंगे? ये उल्टा है, किसके? समस्थानक के। समस्थानक में परमाणु क्रमांक समान थे और परमाणु द्रव्यमान कैसे थे? अलग अलग। लेकिन आइसोबार, बार यानी समझ जाए द्रव्यमान से संबंधित बात चल रही है। यहाँ पे भी लिखा समभारक, माने जो भार है वो कैसा दिया गया है? समान।
परिभाषा हेडिंग से ही बना लेंगे, सम यानी समान और भार यानी क्या दिया गया है, भार। तो परमाणु द्रव्यमान को ही हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं। तो इसके ऊपर हम क्या लिखेंगे, सभी का परमाणु भार लिखेंगे, सभी का परमाणु भार कितना होता है 40। कैसा दिया गया है, समान। परमाणु क्रमांक यदि यहाँ पे लिखा जाए, आर्गन का 18 होता है, पोटेशियम का 19 होता है और कैल्शियम का कितना होता है 20 होता है। तो ये हो जाएगा आपका उदाहरण। अब हम समझ यहाँ पे समभारक और आइसोभारक की यदि परिभाषा को लिखते हैं तो क्या बनेगी, वे तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान, अभी परमाणु द्रव्यमान समान है ऊपर, तो वे तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान कैसे होते हैं, समान होते हैं। लेकिन जो परमाणु क्रमांक होते हैं, परमाणु क्रमांक कैसे होते हैं, अलग अलग। देखें पहला जो हमारा दिया गया ऑर्गन, ऑर्गन जो दिया गया है परमाणु क्रमांक 18 है और परमाणु द्रव्यमान कितना दिया गया है 40 दिया गया। जो पोटेशियम है, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 19 होता है। और जो आपका इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 40 होता है। और कैल्शियम को यदि देखें तो इसका परमाणु क्रमांक कितना दिया गया है 20 और परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा 40। तो परमाणु द्रव्यमान तीनों के कैसे दिए गए, समान दिए गए हैं। लेकिन जो परमाणु क्रमांक होते हैं ये कैसे दिए गए हैं, अलग अलग। तो वे तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान कैसे होते हैं, समान होते हैं। लेकिन परमाणु द्रव्यमान कैसे होते हैं, सॉरी परमाणु क्रमांक कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, समभारक या आइसोभार कहते हैं। जैसे ये आपके हो जाएंगे ऑर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, ये हो जाएगी इनकी परिभाषा। अब यहाँ पे कुछ हम यहाँ पे विशेषताएं देखेंगे किसकी, समभारक की। समभारक की कुछ विशेषताएं यहाँ पर देखेंगे, कहीं कहीं हमें विशेषताएं, गुण, लक्षण या लाभ, ये चीज़ें देखने के लिए, पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो जो हमारे समभारक दिए गए थे, इनके हम परिभाषा के साथ साथ विशेषताएं देखेंगे। परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होने के कारण, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों तत्व हमारे लिखे हुए हैं, तीनों तत्वों के परमाणु क्रमांक कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि जो तत्व होते हैं इनके जो परमाणु क्रमांक होते हैं, परमाणु क्रमांक कैसे होते हैं, इनके भिन्न भिन्न होते हैं यानी अलग अलग होते हैं। और परमाणु क्रमांक अलग अलग होने के कारण ही जो ये तत्व हैं इनके जो रासायनिक गुण होते हैं, रासायनिक गुण भी कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न यानी अलग अलग हो जाएंगे। जब परमाणु क्रमांक अलग है यानी परमाणुओं की संख्या अलग है इसमें, तो जो रासायनिक गुण है, रासायनिक गुण भी कैसे हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा समझ यहाँ पे संभारक की परिभाषा के साथ साथ जो विशेषता है, पहले बिंदु में हम लिखेंगे यहाँ पे कि जो परमाणु क्रमांक होते हैं इनके कैसे होते हैं, अलग अलग यानी भिन्न भिन्न होते हैं। और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होने के कारण इनके जो रासायनिक गुण होते हैं ये भी कैसे हो जाते हैं, अलग अलग यानी भिन्न भिन्न हो जाते हैं। अब इनके नाभिक में उपस्थित, अब यहाँ पे हमें देखना है, अगले बिंदु में हम देखेंगे इनके नाभिक में उपस्थित, नाभिक में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे हम देखेंगे नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ पे आपको एक शब्द और याद करना है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो यदि हम दोनों को सम्मिलित रूप से लिखेंगे तो क्या हो जाएंगे, आपके न्यूक्लियॉन हो जाएंगे, न्यूक्लियॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आगे हम डेफिनेशन भी लिखेंगे कि न्यूक्लियॉन क्या है, तो वहाँ पे आपके क्या हो जाएगी, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो यहाँ पे यदि न्यूक्लियॉनों को देखा जाए तो जो न्यूक्लियॉनों की संख्या होती है ये कैसी होती है, समान होती है। जो कैसे होते हैं, संभारक होते हैं, उनके नाभिक में न्यूक्लियॉनों की संख्या कैसी होती है, समान। यानी जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑर्गन में होंगे उतने ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पोटेशियम में होंगे और उतने ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैल्शियम में होंगे। तो दोनों को सम्मिलित रूप से हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियॉन। तो न्यूक्लियॉनों की संख्या इनमें कैसी होती है, समान होती है। अब संभारक तत्वों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों, अभी हमने न्यूक्लियॉनों की संख्या देखी थी, अब हम इनमें उपस्थित मौलिक कण हमने कितने पढ़े हैं, तीन। कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियॉनों की संख्या तो इनमें कैसी होती है, समान होती है। लेकिन यदि हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं को देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन की जो संख्याएं होती हैं ये कैसी होती हैं, भिन्न भिन्न यानी अलग अलग होती हैं। समभारक या आइसोभार में जो
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉनों की संख्याएं होती हैं ये कैसी होती हैं, भिन्न भिन्न यानी अलग अलग होती हैं। और अगले में हम लिखेंगे आवर्त सारणी में समभारकों के स्थान भिन्न भिन्न होते हैं। ये आपका अगला हो जाएगा बिंदु, आवर्त सारणी हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर में, पूरी आवर्त सारणी ही दी गई है पार्ट में। तो यदि आवर्त सारणी में देखा जाए, किसको देखा जाए, समभारकों को देखा जाए, तो आवर्त सारणी में समभारकों के लिए जो स्थान दिया गया है ये स्थान भी कैसा दिया गया है, अलग अलग दिया गया है, एक साथ संभारकों को नहीं रखा गया है। तो आवर्त सारणी में जो संभारक रखे गए हैं या संभारकों के स्थान कैसे होते हैं, अलग अलग यानी भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये संभारक या आइसोबार की क्या हो जाएगी, परिभाषा हो जाएगी। साथ में इसी में आपने आइसोबार की क्या देखी, विशेषताएँ, कि परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होने के कारण इनके जो रासायनिक गुण होते हैं ये भी कैसे हो जाते हैं, भिन्न भिन्न हो जाते हैं। इनमें यदि नाभिक में न्यूक्लियोनों की संख्या को देखा जाए यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को, तो ये कैसे होते हैं, समान होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याएं जो होती हैं संभारकों में कैसी होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं यानी अलग अलग होती हैं। आवर्त सारणी में यदि संभारकों को देखा जाए तो कैसा स्थान दिया गया है, अलग से स्थान दिया गया है।